इन्होंने जिन मुद्दों पे बात की उन पे कोई मुद्दों पे कोई बात नहीं करता है। उनको सिर्फ क्या चाहिए, वोट चाहिए, वोट लेके गायब हो जाते हैं। ना वो गुड़गांव जाओ तो गुड़गांव ना मिलते, चंडीगढ़ जाओ तो चंडीगढ़ ना मिलते, कहीं दिल्ली बुलाओ तो दिल्ली ना मिलते। उनका यहाँ मेंदरड़ में दफ्तर है, खुद के दफ्तर के पास पानी भरा हुआ है, वो क्या शहर का क्या कर लेंगे। संदीप जी एक ईमानदार और सच्चे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर लाइन से हैं, एक क्लास से, जो नेता नहीं करवा सकते, फाइल नहीं निकलवा सकती, आगे से जाकर फाइल भी ला सकते भाई कहाँ फाइल रुकी है। इनको नॉलेज है? हाँ नॉलेज है इनको। जैसे अभय सिंह ने कर दिया, यहाँ का सारा हिसाब किताब नार नोट ले जाए रख दिया, यहाँ उल्लू की तरह ये बैठे रहे, दोनों को दोनों देखते रहेंगे। एक काफ़ी बड़ा मुद्दा यहाँ पे गरमाया हुआ है, जैसे आपने पता होगा कि एक रेल लाइन निकलने वाली थी साइड से, और वो रेल लाइन महेंद्रगढ़ नारनौल और बहरोड को टच ना करते हुए कहीं और साइड से निकल रही है। तो ये हमारे साथ एक फिर एक हम कह सकते हैं कि भेदभाव किया जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल आपको डर नहीं लगता कि यहाँ संदीप जी का प्रोग्राम करवाया और नेता आगे कुछ कहेंगे तो फिर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये फर्स्ट प्रोग्राम है मेरा। आपका फर्स्ट प्रोग्राम? बिल्कुल। तो अब मतलब और नेताओं को नकार चुके हैं, अब संदीप जी बेस्ट फर्स्ट चॉइस हो? फर्स्ट ऑफ चॉइस। महेंद्रगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। ये वन क्लास ऑफिसर है हमारे सर, और वो मतलब काम करेंगे तो एक क्लास की नौकरी छोड़कर आ रहे हैं, तो कुछ तो बदलाव की सोच रही है महेंद्रगढ़ की जनता। तो सर जैसे आप बार बार ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे हम मेट्रो लेके आएंगे, तो सर ये जो जितने भी नेता हैं यहाँ जैसे निकम्मे साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ के जो प्रोजेक्ट हैं वो कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि यहाँ पे हम मेट्रो लेके आएंगे, तो ये कैसे संभव? दिक्कत तो पहले कर चुके थे पिछली योजना में ही, अब वो पता नहीं कहाँ गलती हुई है, वो गलती को सुधारना पड़ेगा। गलती को सुधार रहे हैं आपकी बार? हाँ। तो आपकी बार कितना समर्थन, कितना सपोर्ट रहेगा, कितना सहयोग? भाई मेरा तो अपने आत्मा से पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। हाँ। जो ये दिए हैं, जो अपना उठाया मुद्दा उठाया, जो भी विकास का, तो महेंद्रगढ़ के साथ अन्याय हो रहा है हमेशा, और जो भी नेता जो बने हुए हैं उनके जो खुद के घरों के अंदर पानी भरा हुआ, तो वो क्या विकास करेंगे महेंद्रगढ़ का? हमें तो एक अच्छा नेता चाहिए महेंद्रगढ़ विकास के लिए, पूरे युवा के साथ हम साथ हैं, पूरा पूरा वो करवाएंगे। देव एसडीएम साहब को हम भारी मतों से जिताएंगे, और जो संदीप जी हमारे लिए जो 20 साल से प्रयत्न कर रहे हैं लगातार, हम इनके लिए 20 महीने दिन रात मेहनत करके विजय घोषित करेंगे। तो कितना सपोर्ट करेंगे अब आने वाले टाइम में? हम तो 100,000 का ऊपर कर दें हैं जी, पूरा बोता में करेंगे। हाँ जी, आप भी बताइए क्या बताना? बिल्कुल फुल सपोर्ट करेंगे, हमको बहुत बढ़िया लगा आपने। क्या जोराव से बताइए क्या बताना चाहेंगे संदीप? मैं एसडीएम साहब को तय दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आने वाले समय में इनको अधिक से अधिक वोटों से जिताया जाए। बहुत अच्छा, खूब अच्छा, ये समझो इनकी दोनों की जमानत जब्त होनी है, दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी। संदीप जी को 1 लाख पार करवा रहे हो? 1 लाख से भी ऊपर जाएंगे, 2 लाख के करीब आ जाएगा। बढ़िया है जी प्रोग्राम, और अभी तक तो लोग आवे था और खा के पार जाए था, कड़ी काम नहीं करा, 5 पैसा भी लगाया नहीं है महेंद्रगढ़ में। रोडा की हालत देख लो, पानी की पीवन को बनाओ 3 दिन हुआ। अरे महेंद्रगढ़ क्षेत्र में जो शहर में भी जो हमने परिवार राजनीतिक हो रही है दो सांडों के बीच, तो हम ये चाहते हैं इनको ख़त्म करके क्यों ना एक ईमानदार व्यक्ति लाएं, और महेंद्रगढ़ के जो विकास खड्डे रोड जितना भी कुछ बिछड़ापन है ना, वो हम बदलाव जाना चाहते हैं संदीप एसडीएम के थ्रू। लेकिन यहाँ आज जो संदीप जी ने जो बताया उसमें ना, उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है भाई, तो हमें हर इंसान का ना विकास करना है, और वो लोग ना पारिवारिक काम करते हैं, काम किया है ठीक है। यहाँ पे ना संदीप जी ने आज आम लोगों के बारे में बात की है, और आज से ना मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने साथ एक बंदे को और जोड़ूँगा। संदीप सिंह एसडीएम ने निस्वार्थ की भावना से, इनको कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, ने हर को हमारे को इनको सब खुशीवार्थ की भावना है, इस बात को मानते होने। बिल्कुल।
क्योंकि हम नु चाहते हैं कि संदीप सिंह है डीएम अगर बन गया तो अपना जो यहाँ का 60 साल का विकास जो रुकोड़ा वह होगा। नमस्कार, देखिए आज हमारी टीम यहाँ महेंद्रगढ़ विधानसभा के पाएगा गांव में मौजूद है और हमारे पीछे देख सकते हैं ये काफ़ी लोग पाएगा गांव के यहाँ पर मौजूद हैं और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी यहाँ पर इनके गांव में पहुँचे हैं। ये एक टी पार्टी का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। तो संदीप जी, जैसे ये जो लगातार आप गाँव में प्रोग्राम कर रहे हैं और आज जैसे तीजों का त्यौहार है उसको लेकर के भी काफ़ी लोग बिजी थे, बिजी शेड्यूल में आपने प्रोग्राम रखा और काफ़ी गैदरिंग में यहाँ पर लोग आपको देखने के लिए सुनने के लिए पहुँचे हैं, तो सर क्या कहेंगे इसके बारे? सबसे पहले सैनी साहब, मैं आप सभी को तीज की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और जैसा कि आप बता रहे हैं पाएगा गांव में देखिए कितना अपनापन है सबके अंदर, क्योंकि अपनापन इसीलिए है कि जो 20 साल से हमने पूरे महेंद्रगढ़ को अपना परिवार माना हुआ है तो एक परिवार का अपनापन है ये, और ये ऐसा अपनापन है जो जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है और जन्मों जन्मों तक चलेगा। ये अपना ऐसा अपनापन है कि सबने देखा है हमारी वर्किंग को, जो 20 साल से अपनी वर्किंग देख रहे हैं हमारी, कि जाते ही एसडीएम ऑफिस में आते ही सबको रिस्पेक्ट देना, सीट प्रोवाइड करवाना, चाय बिस्किट देना, साथ में साथ साथ काम होने, तो ये हर चीज़ मैटर करती है। काफ़ी लोग मुझे मिलते रहते हैं अभी भी कि सर आपने उस दिन मेरा ये काम किया। बड़ी खुशी महसूस होती है कि हर व्यक्ति का जब काम हो जाता है तो बड़ी संतुष्टि मिलती है खुद को। सर जैसे दो तीन चीज़ें आपने अलग से शुरुआत की है, जैसे मिट्टी का तिलक लगाना और एक जो कलश यात्रा आपने निकाली है, ये कलश यात्रा भी काफ़ी इफेक्ट कर रही है क्योंकि सब हम काफ़ी गांव से इस कलश को लेके जा चुके हैं और इसका मकसद एक ही है। इसका नाम जो हमने रखा है विकास एवं एकता कलश, एकता सब इकट्ठे होके रहें और विकास जैसे ही जनता पावर में आएगी, एक मुट्ठी मिट्टी जो अब जनता ने इस पवित्र कलश में डाली है वो पावर में आने के बाद जब विकास कार्य शुरू होंगे तो एक मुट्ठी मिट्टी उस विकास कार्य में डाला जाएगा। और जैसे कि धरती माँ के तिलक की बात कर रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा दफ्तर है महेंद्रगढ़ का, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जहाँ भी धरती माँ का तिलक किया जाता है। मेरे पास एक बुजुर्ग लेडी आ गई थी, साथ में उनके दो तीन बेटे भी आए थे, तो उस टाइम उन बेटों को जब मैंने तिलक का पौच दिया धरती माँ का, तो माताजी को जब मैंने दिया तो माताजी ने अपने पल्लू में बांध लिया। तो मैंने कहा माताजी क्या करेंगे इसका आप? तो माताजी ने बोला कि बेटे घर जाके मैं अपने पोता पोती को तिलक करूंगी। बड़ा अच्छा लगा हमारे को। देखिए सबसे बड़ा जो है हम धरती माँ को ही मानते हैं, धरती माँ के ऊपर हम इतना बोझ डालते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है अब धरती माँ का जो कर्ज़ है थोड़ा बहुत कैसे अदा किया जाए। आज सारे पाएगा की जनता ने फैसला किया है कि इस बार आने वाले इलेक्शन में हम कम से कम भी 1,00,000 वोट दे के हम पूरी जीत दर्ज करवाएंगे और ये जनता की जीत होगी इस बारी। ठीक है, तो सर जैसे एक दो चीज़ और भी हम आपसे जानेंगे क्योंकि एक काफ़ी बड़ा मुद्दा यहाँ पे गरमाया हुआ है। जैसे आपने पता होगा कि एक रेल लाइन निकलने वाली थी साइड से और वो रेल लाइन महेंद्रगढ़ नारनौल और बहरोड को टच ना करते हुए कहीं और साइड से निकल रही है, तो ये हमारे साथ एक फिर एक हम कह सकते हैं कि भेदभाव किया जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल ठीक बात है, हम ये नहीं कहते कि भी कनीना से ना निकले, कनीना भी टच हो उसके, लेकिन महेंद्रगढ़ नारनौल भी जरूर टच हो क्योंकि अपने सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज तो यही हैं, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो और चाहे वो आपके एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बड़ा ईजी हो जाएगा यहाँ से अलवर तक जाना, रास्ते में बहरोड है, सब जगह हैं। तो मैं ये रेल मंत्रालय से मैं दरख्वास्त करूँगा, साथ साथ रेल मंत्री से मैं दरख्वास्त करूँगा, साथ साथ सीएम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को डाइवर्ट करके और ये जो पहले जो प्रोजेक्ट गया था उसी हिसाब से हमें रेल लाइन चाहिए ताकि महेंद्र और नाल को जरूर टच हो। तो सर जैसे आप बार बार ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर हम मेट्रो लेके आएंगे, तो सर ये जो जितने भी नेता हैं यहाँ जैसे निकम्मे साबित हो रहे हैं क्योंकि जो यहाँ के जो प्रोजेक्ट हैं वो कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं और आप ये कहते हैं कि यहाँ पे हम मेट्रो लेके आएंगे, तो कि ये कैसे संभव होगा? देखिए वही वाली बात है सैनी साहब, अब तक सिर्फ हुआ ना कुएं के मेंढक वाली बात थी, ये वही चाहते थे कि यहाँ की जनता बाहर ना निकल सके इस चीज़ से। हमने जब अपना ब्रॉड विज़न आगे पेश किया तो सबको बड़ा अचंभा हुआ कि ये भी हो सकता है। अब जब रोहतक तक मेट्रो का प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए जा सकता है, जब झज्जर का भी मेट्रो प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए चला गया है, यानी कि वहाँ जल्दी ही मेट्रो लॉन्च होने वाली है, जब प्रोजेक्ट 10 साल पहले गया हो, तो झज्जर और रोहतक जब मेट्रो आ गई है तो महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं आएगी मेट्रो? 100% मेट्रो आएगी, यहाँ की जनता के पास जब पावर आएगी तो सबसे पहला काम जनता यही करेगी, सबसे पहला प्रोजेक्ट जनता का मेट्रो लाना ही होगा कि एम से महेंद्रगढ़, एम से मेट्रो। ठीक है जी, थैंक यू। देखिए कुछ साथी और हमारे साथ मौजूद हैं, भाई साहब नमस्कार। तो आज ये प्रोग्राम हम ये कह सकते हैं कि एक से बढ़ के एक प्रोग्राम जो है संदीप एसडीएम कर रहे हैं और ये एक लगातार एक कह सकते हैं कि जो लोग हैं
वो समझ चुके हैं कि भी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आने वाले टाइम में संदीप एस डी एम साहब को हम भारी मतों से जिताएंगे, और जो संदीप जी हमारे लिए जो 20 साल से प्रयत्न कर रहे हैं लगातार, हम इनके लिए 20 महीने दिन रात मेहनत करके विजय घोषित करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी बताइए सर, आप भी बताइए क्या पता लगता है। हमारे महेंद्रगढ़ क्षेत्र में जो शहर में भी जो हमने परिवार राजनीतिक हो रही है दो सांडों के बीच, तो हम ये चाहते हैं इनको ख़त्म करके क्यों ना एक ईमानदार व्यक्ति लाएं, और महेंद्रगढ़ के जो विकास खड्डे रोड जितना भी कुछ बिछड़ापन है ना, वो हम बदलाव जाना चाहते हैं संदीप एसडीएम के थ्रू। इनको हम भारी मतों से यहाँ से महेंद्रगढ़ से जिताएंगे और हमारा विकास पाएंगे। तो आप पाएगा गांव से सर? हाँ मैं पाएगा। पाएगा तो पाएगा में तकरीबन मैं देखता हूँ कि जैसे ज़्यादातर कभी कोई ऐसे मतलब एक दबाव प्रेशर की राजनीति होती रही है इस गांव से, तो अब की बार ऐसा तो नहीं कि एंड टाइम पे आके फिर फिसल जाएंगे, फिर किसी नेता के बहकाव में आ जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा अब की बार कुछ नहीं होगा। अब की बार बुजुर्गों की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, वो आना मन से साथ देगी, और हम एक बार किसी के बहकाव में नहीं आएंगे। हम सब संदीप एसडीएम के साथ हैं, साथ रहेंगे। काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप भी बता दीजिए भाई साहब। मैं पहले युवाओं से इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि युवा जो है बड़ी मजबूती से कदम उठाते हैं और फैसला भी जो लेते हैं तो वो कारगर साबित होता है। तो आप बताइए सर, जैसे संदीप जी का आपने कार्यक्रम अभी सुना है तो कैसा लगा? सर कार्यक्रम सुन के हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि इन्होंने जिन मुद्दों पर बात की उन पर कोई मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है। उनको सिर्फ क्या चाहिए? वोट चाहिए। वोट लेके गायब हो जाते हैं ना। वो गुड़गांव जाओ तो गुड़गांव ना मिलते, चंडीगढ़ जाओ तो चंडीगढ़ ना मिलते, कहीं दिल्ली बुलाओ तो दिल्ली ना मिलते। उनका यहाँ महेंद्रगढ़ में दफ्तर है, खुद के दफ्तर के पास पानी भरा हुआ है, वो क्या शहर का क्या कर लेंगे वो? तो हम तो उनसे बहुत परेशान हैं। अब की बार आपका मन बन चुका है कि बदलाव कर लें? बिल्कुल जी, 100% बदलाव कर लें। आप भी बताइए सर। ऐसा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। ऐसा ही। हाँ जी शर्मा जी, आप भी बता दीजिएगा कि जो आपने पंडित जी का प्रोग्राम स्टार्टिंग से देखा कहीं, और अभी ये बदलाव की स्थिति बनी हुई है तो क्या आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल बदलाव की स्थिति बनी हुई है। पहले ना लोग अपनी राजनीति करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आज जो संदीप जी ने जो बताया उसमें ना उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है। भाई तो हमें हर इंसान का ना विकास करना है, और वो लोग ना पारिवारिक काम करते हैं, काम किया है, ठीक है। यहाँ पे ना संदीप जी ने आज आम लोगों के बारे में बात की है, और आज से ना मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने साथ एक बंदे को और जोड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप भी आजिए भाई साहब। देखिए युवा साथी हैं, पहले एक बार मेरे पास आदि नजदीक आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए। आप भी सर आ जाइए एक बार। मैं पहले युवाओं से इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि युवा जो है ना वो चुनाव को अच्छे से बखूबी चला सकते हैं, आगे जो बागडोर है वो अच्छे से आगे तक ले जा सकते हैं। भाई साहब नमस्कार। क्या नाम है सर? लीला राम नाम है। लीला राम जी बताइए सर, जैसे आज ये प्रोग्राम रखा है गाँव में, क्या बताना चाहेंगे? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है भाई साहब, संदीप सिंह एसडीएम ने निस्वार्थ की भावना से, इनको कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, ने हर को हमारे को इनको सब कुछ स्वार्थ की भावना है, इस बात को मानते होने। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम नु चाहते हैं कि संदीप सिंह एसडीएम अगर बन गया तो अपना जो यहाँ का 60 साल का विकास जो रुकोड़ा वह भोगगा। मतलब ऐसा आप मानते हैं कि जो 40 साल 45 साल में दो नेताओं ने राज किया उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया, नहीं, और नहीं। अगर ये 5 साल बन गए तो वो 40-45 साल वाला विकास करेंगे। हाँ 60 साल जो पीछे अपना, अब भी 60 साल पीछे जा रहे हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आएंगे तो अपने की अपने लिए तो नौकरी छोड़ी है, किसके लिए छोड़ा बताओ? बताइए सर, आप भी बताइए। क्या सर? मेरा नाम संदीप, जो संदीप जी ने जो ये दिए हैं, जो अपना उठाया मुद्दा उठाया जो भी विकास का, तो महेंद्र के साथ अन्याय हो रहा है हमेशा, और जो भी नेता जो बने हुए उनके जो खुद के घरों के अंदर पानी भरा हुआ तो वो क्या विकास करेंगे महेंद्र का? हमें तो एक अच्छा नेता चाहिए महेंद्र विकास के लिए, पूरे युवा के साथ हम साथ हैं, पूरा पूरा वो करवाएंगे। सब जैसे यहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं संदीप जी के, और काफ़ी गाँव में हमने देखा क्योंकि ये जो प्रोग्राम कभी हटके हुआ है, तो ऐसा अब की बार मन में बना लिया कि भाई अब की बार संदीप जी को लेके आना है? महेंद्रगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। ये वन क्लास ऑफिसर है हमारे सर, और वो मतलब काम करेंगे, तो एक क्लास की नौकरी छोड़ कर आ रहे हैं, तो कुछ तो बदलाव की सोच रहे हैं महेंद्रगढ़ की जनता।
तो इसलिए हम पूरा ईमानदारी से सर के साथ हैं और 1,00,000 से भी ज़्यादा वोटों से हमको विजय बनाना चाहते हैं। आपकी बार रिकॉर्ड तोड़ने वाले बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम अपना? राजकुमार। राजकुमार जी, बताइए किस तरह से आप देखते हैं संदीप जी के कार्यक्रम जब हो रहे हैं, आने वाले टाइम में किस तरह क्या समर्थन रहने वाला है? संदीप साहब, संदीप साहब जी 1,00,000 वोटों के पार, 1,00,000 वोटों के पार जाएंगे। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम सर अपना? नीलेश। नीलेश जी, इसी गाँव से बिलोंग करते हैं। हाँ तो बताइए सर, जैसे आपको डर नहीं लगता कि यहाँ संदीप जी का प्रोग्राम करवाया और नेता आगे कुछ कहेंगे तो फिर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फर्स्ट प्रोग्राम है मेरा। आपका फर्स्ट प्रोग्राम? बिल्कुल। तो अब मतलब और नेताओं को नकार चुके हैं, अब संदीप जी बेस्ट फर्स्ट चॉइस हो? फर्स्ट ऑफ चॉइस। तो क्या मतलब किस तरह का क्या मतलब लगता है कि क्या विकास करवा पाएंगे संदीप जी, क्या आपको? बिल्कुल सर, विकास करवाएंगे, जोरों शोर का माहौल है सरों का, बहुत अच्छा व्यवहार है। मतलब ये मानते हैं कि पिछले टाइम में कुछ भ्रमित कर दिया किसी लोगों ने, उसके कुछ तो कमियां रही थी, अब की बार वो पूरी करेंगे? हाँ बिल्कुल सर, वो छोटी मोटी तो हो ही जाती है, इच्छुक उसकी वजह से अब के बेस्ट हो। ठीक है, देखिए कुछ बुजुर्ग साथी हमारे साथ और मौजूद हैं। ताऊ जी नमस्कार। तो आज ये संदीप जी का प्रोग्राम आपने देखा सुना, कैसा लगा? बहुत बढ़िया है जी प्रोग्राम, और अब तक तो लोग आवे था और खा के पार जाए था, कड़ी काम नहीं करा, 5 पैसा भी लगाए नहीं है महेंद्रगढ़ में, रोडा की हालत देख लो, पानी की पीवन को बनाओ 3 दिन हुआ बताओ, और इवन कसायत होया था, इवन की पूरी मदद, पूरी मदद करेंगे। ये देखिए, ये ताऊ जी की आंखों में आप आंसू देख सकते हैं, ये भावुक हैं और ये दिल से ये बात कह रहे हैं कि अब की बार दिल से इनके साथ हैं। तो आप भी बताइए सर, क्या नाम? जोराव सिंह जी, बताइए क्या बताना चाहेंगे संदीप जी? मैं एसडीएम साहब को तय दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आने वाले समय में इनको अधिक से अधिक वोटों से जिताया जाए, यही मेरी शुभ चिंतक है। ठीक है। हाँ जी सर, आप भी बताइए सर, क्या बताना चाहेंगे संदीप जी? संदीप जी एक ईमानदार और सच्चे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर लाइन से हैं, 1,00,000 से जो नेता नहीं करवा सकते, फाइल नहीं निकलवा सकती, आगे से जाकर फाइल भी ला सकते हैं, कहाँ फाइल रुकी है, इनको नॉलेज है। हाँ नॉलेज है इनको, जैसे अभय सिंह ने कर दिया, यहाँ का सारा हिसाब किताब नारनोल ने जाहिर रख दिया, यहाँ उल्लू की तरह ये बैठे रहे, दोनों को दोनों देखते रहे, इनको सिर्फ कमीशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कमीशन की राजनीति, कमीशन की राजनीति है इनको, और किसी कोई राजनीति तो कोई मतलब नहीं, किसी कोई मरे कोई जी कुछ करे जाए। तो अब की बार अच्छा रहने वाला? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूब अच्छा, ये समझो इनकी दोनों की जमानत जब्त होनी है, दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी। संदीप जी को 1,00,000 पार करवा रहे हो? 1,00,000 से भी ऊपर जाएंगे, 2,00,000 के करीब जा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते भैया। हाँ जी, आज संदीप जी का प्रोग्राम सुना कैसा? हाँ जनता तो पहले कर चुकी थी पिछली योजना में ही, अब वो पता नहीं कहाँ गलती हुई है, वो गलती को सुधारना पड़ेगा, गलती को सुधार रहे हैं आपकी बात। तो आपकी बार कितना समर्थन, कितना सपोर्ट रहेगा, कितना सहयोग? भाई मेरा तो अपने आत्मा से पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। पहले भी था, अब भी है, पहले भी और ओपन में था, ओपन में था। चलो ठीक है, देखिए आज यहाँ पर हम पाएगा गांव में पहुँचे थे और एक दो महिलाएं भी हमें दिखाई दे रही हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्योंकि सभी की प्रतिक्रिया लेनी जरूरी है, सभी की राय जो है इसमें शामिल होनी चाहिए। हाँ जी नमस्कार। तो आज आपने संदीप जी का प्रोग्राम सुना है? हाँ सुना। कैसा है? लगा? अच्छा लगा है। अच्छा लगा। हाँ। तो कितना सपोर्ट करेंगे अब आने वाले टाइम में? हम तो 100,000 का ऊपर कर दें है जी, पूरा बोटा में करेंगे। हाँ जी, आप भी बताइए क्या बताना? बिल्कुल फुल सपोर्ट करेंगे, हमको बहुत बढ़िया लगा आपने। क्या नाम अपना? अपना सुमित्रा देवी। सुमित्रा इसी गांव से, पाएगा से? हाँ पाएगा, नीलेश की मम्मी। नीलेश की मम्मी जी। हाँ जी, मतलब अच्छा लगा प्रोग्राम? बहुत बढ़िया लगा, पहला प्रोग्राम आपको आज मेरे को लगा है। आपने सुना है तो मतलब अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, और फुल प्रोग्राम करेंगे जो बनेगी उतनी खूब सबसे। बिल्कुल बिल्कुल, एक से एक। ये देखिए यहाँ हम पाएगा गांव में पहुँचे थे और पाएगा गांव में पूर्व एसडीएम संदीप सिंह का प्रोग्राम यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया गया है, और अब की बार ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो दो नेता राज करते थे उनकी जमानत जब्त करने की लोगों ने बात कही है। तो हम सभी साथियों से एक आग्रह करेंगे कि जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं शेयर किया करें, जिससे कि ये मैसेज है पूरे महेंद्रगढ़ विधानसभा में हर गांव में पहुंच सके, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।